और मेरठ से एक बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर 74 साल की उम्र में एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई, उनकी 4 साल की बच्ची ने उन्हें मुखाग्नि दी है। कहते हैं ना, तकदीर के खेल भी बड़े निराले होते हैं। मेरठ से आई ये तस्वीर किसी को भी भावुक कर देगी। यहाँ 74 साल के बुजुर्ग शख्स की मौत हुई, 4 साल की बेटी ही उनकी वारिस बची थी, जिसके बाद बच्ची ने अपने 74 साल के पिता की चिता को मुखाग्नि दी। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आई। नन्ही बेटी पूछती रही कि उसके पापा को क्या हो गया है। उसके मासूम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। दरअसल मेरठ के शास्त्री नगर के रहने वाले देवेंद्र त्यागी सेल टैक्स विभाग से रिटायर हुए थे, लेकिन कुछ साल पहले उनके हंसते खेलते परिवार पर ऐसा कहर टूटा कि जिसकी सपने में कोई कल्पना नहीं करता। उनका एक बेटा और बेटी थे, दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन साल 2018 में बेटे की ब्रेन हैमरेज के चलते जान चली गई, तो वहीं एक महीने के बाद बेटी की भी मौत हो गई। बेटे और बेटी के बच्चे भी थे, लेकिन उनकी बहू और दामाद दोनों ने उनसे दूरी बना ली। इसके बाद देवेंद्र त्यागी और उनकी पत्नी बिल्कुल तन्हा हो गए, घर काटने को दौड़ने लगा। जिस घर में बच्चों का शोर रहता था, वहाँ सब सूना सूना हो गया। जब देवेंद्र 70 साल के हुए तो साल 2020 में उनकी पत्नी ने टेस्ट ट्यूब विधि से एक बेटी को जन्म दिया, जो अब 4 साल की हो चुकी है। देवेंद्र त्यागी का उनकी पत्नी और बेटी के अलावा कोई दूसरा नहीं था। मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि कोई बच्चा होना चाहिए जो कि हमारा सहयोग बने, बड़ी होकर हमें मतलब थोड़ा पानी वानी पिला दे, है ना, पानी पिला देती है, ये पानी पिला दे, कोई छोटी मोटी चीज़ें रात में हमसे नहीं उठा जाता, बुजुर्ग हैं हम, उसको हमें उठा के दे दे। ये मेरे मन में ध्यान आया और हम इससे बात करें गुड्डे की तरह तो हमारा मन लगता रहे, वह हम इसके खेलते रहे। जिंदगी कभी कभी ऐसे करवट लेती है कि इंसान अकेला पड़ जाता है। देवेंद्र त्यागी के परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। टेस्ट ट्यूब बेबी विधि से हुई बेटी ने ही अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। फिलहाल ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। मेरठ से न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।